उनको तो पुराना बिहार का पता ही नहीं है, या फिर जो 18 साल जब नीतीश जी आए 2005 में तो उस समय 4 साल 5 साल के जो बच्चे रहे होंगे उनको भी पुराना दौर याद नहीं है कि किस तरह का दौर था, कैसे अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण था और किस तरह से नीतीश कुमार ने इस पूरे कॉकस को तोड़ने का काम किया। तो हम लोग जो जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं अपने, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन भर तो जिंदा रहता नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई 200 वर्ष का उम्र लेकर के आया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस बिहार के नवनिर्माण में अपना पूरा समर्पण कर दिया और उस व्यक्ति को अगर हमारी नौजवान पीढ़ी समझ नहीं पाई, उस नौजवान पीढ़ी को उस नीतीश कुमार से हम लोग रूबरू नहीं करा पाए, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने इनजस्टिस किया है अपने साथ और अपने नेता के साथ। इसीलिए ये जो हम लोग कार्यक्रम की आज शुरुआत करने की घोषणा कर रहे हैं कि मेरा नेता मेरा अभिमान, इसको हम लोग पूरे 1.5 साल इस कार्यक्रम को चलाएंगे और इस 1.5 साल के कार्यक्रम के दौरान हम लोग पूरे प्रदेश के तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, खासकर के जो हमारे प्लस टू के विद्यार्थी हैं और जो हमारे ग्रेजुएशन में जो हमारे विद्यार्थी हैं, और युवाओं का सिंपोजियम करना, टॉक शो करना, पेंटिंग कॉम्पिटिशन करना, ऐसे कराना, और इन सब में जो जो संस्थानों में लोग फर्स्ट आएंगे सेकंड आएंगे उनको नीतीश एम्बेसडर के रूप में हम लोग अपने उसमें जोड़ेंगे और उन बातों को और कैसे हम फैला सके इसकी बात करेंगे। देश के वैसे जो लोग नामचीन लोग, जिन लोगों ने चाहे किताब लिखा हो, चाहे कविताएं लिखी हो, चाहे फिल्म जगत के हो बिहार से, उन सब लोगों से 2005 के बाद का जो बिहार जिसको नीतीश जी ने बदलने का काम किया है, उनसे हम लोग बाइट्स लेंगे और उस बाइट्स को हम लोग अपने जो नौजवान पीढ़ी है उनको हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और इसके लिए हम लोग बिजाप्ता रथ निकालेंगे, बिजाप्ता हम लोग कैंपेन करेंगे और जो भी हमारे साथी है और खास करके जो पार्टी का छात्र विंग है और जो यूथ विंग है उसको हम लोग इस पूरे कैंपेन में इन्वॉल्व करेंगे और इस कैंपेन के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे प्रमंडल हेडक्वार्टर्स में जो हमारा कार्यक्रम हो इस तरह का, उस कार्यक्रम में जो नामचीन लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, जो बड़े क्या नाम है, जो वकील हैं, उन लोगों को ले जा करके इन तरह के शो में, टॉक शो में अपने बच्चों को बताएं कि एक कमिटेड जो पॉलिटिशियन होता है और एक कमिटेड राजनेता होता है, अगर उसका विल पावर स्ट्रांग होता है तो उसको देश प्रदेश के चेहरे को बदलने का उसको जब मौका मिलता है और अगर चाहता है तो वो बदल सकता है, और किस तरह से नीतीश कुमार ने उसको बदलने का काम किया, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, हर सेक्टर में, चाहे हम किसानों को MSP देने की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पहली बार नीतीश जी के आने के बाद इस प्रदेश में शुरू हुई, इसके पहले किसानों को कभी भी बाढ़ हो, सुखाड़ हो या ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कभी भी हम लोगों के यहाँ से कोई एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन माननीय नेता ने एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम भी बनाया और MSP भी का भी इन्होंने प्रयास किया, जिससे कि जो बेसिक्स हमारे किसान हैं उनको परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं, तो उन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए आज इसकी घोषणा कर रहे हैं और इसको अपने जो अलग अलग जिले हैं उसमें हम लोग कैंपेन चलाएंगे, सिंपोजियम करेंगे, राइटिंग कंपटीशन करेंगे, हम लोग सभी कॉलेजेस में पेंटिंग कंपटीशन कराएंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को अवेयरनेस भी हो और एक सोशल जिसको बोलते हैं कमिटमेंट हो। आज जो हमारा 2005 में हमारा जो GDP था बिहार का, आज हमारा क्या GDP है, हम पर कैपिटा इनकम हमारा कितना था, हम कितना पर कैपिटा इनकम पर अब आए हैं, क्या हमारा एग्रीकल्चर का उस समय 2005 में हमारा ग्रोथ था, अब कितना पर मेट्रिक टन हम गेहूं उत्पादन करते थे, अब कितना कर रहे हैं, कितनी सिंचित भूमि 2005 में हमारे पास थी, इन 18 वर्षों में नीतीश कुमार ने कितने सिंचित भूमि को बनाने का काम किया, वहाँ पानी पहुँचाने का काम किया, इन सब बातों को विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस कैंपेन को का नाम हम लोग ने दिया है मेरा नेता मेरा अभिमान, कि हमको अपने नेता के कार्यक्रमों पर और कार्यों पर अपने आप को गर्व है, गुरूर है, और
कुछ तस्वीरें हैं जिसको कि हम लोग आने वाले समय में भी अपने सब लोगों के बीच दिखाएंगे कि 2005 का बिहार कैसा था और 2024 का बिहार जो 18 साल में माननीय नेता का काम हुआ है उसका बिहार अब हमारा कैसा रहा है। अच्छा, ये कोई संगठन चलाएगा या फिर पार्टी चलाएगी? नहीं, पार्टी चलाएगी, हमारे छात्र विंग चलाएंगे। जैसे ये है कि एक कार्य, एक अभियान है, एक अभियान हम लोग कर रहे हैं, तो दैट कि हम अपने यूथ और जो यंगस्टर्स जो हमारे हैं खास करके उनको हम लोग टारगेट करेंगे और हमारा यूथ और यूथ विंग और छात्र विंग है जो इसको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे और हम लोग जो सीनियर लीडर्स हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा उसमें हम लोग अपना सपोर्ट करेंगे। बिकॉज हम पर्सनली ये फील करते हैं कि नीतीश जी का जो व्यक्तित्व है, एक्चुअल व्यक्तित्व है, जो 18 साल में नीतीश कुमार एज ए डिप्लोमेट, एज ए गार्जियन, एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए थॉटफुल लीडर, जो हमारे यूथ के लिए जो उन लोग काम किया है, वो सही बात लोगों के बीच में जाने में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। और नीतीश जी का जो 10% एज ए पॉलिटिकल लीडर है वो 90% को दाब दे रहा है। तो वो 90% जो नीतीश कुमार का है, जो 90% नीतीश कुमार ने अपने जीवन का दिया है इस प्रदेश में राजनेता के रूप में, एक जिसको बोलते हैं एक चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, उन छवि को भी जनता को, यंगस्टर को जानने का अधिकार है और उसको हम लोग बताने का काम है। ये कैंपेन आज हम समझते हैं कि ये कैंपेन हम लोग 2-3 दिन के बाद से ही शुरू करेंगे। इस अभियान के तहत युवाओं के बीच जाकर नीतीश कुमार की जीवनी के बारे में बताएंगे कि नीतीश आखिर क्या है। नीतीश कुमार की जीवनी के बारे में, नीतीश कुमार की जीवनी पे कुछ किताबें लिखी गई है, उन किताबों का भी विमोचन होगा। जो हमारे लोग हैं जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, उन लोगों को किताब के उद्घाटन में भी बुलाया जाएगा, उन लोगों से भी चर्चा की जाएगी, उनको जो क्रिटिक होंगे उनको भी बुलाया जाएगा, जो सपोर्टर होंगे उनको भी बुलाया जाएगा और उससे मतलब हम एक तरह से पूरा कैंपेन चलाएंगे नीतीश जी के व्यक्तित्व के ऊपर। रथ निकालने की बात है सर, रथ का रोडमैप क्या हो सकता है? जो अभी आपके विपक्ष में वो तो करें कि तब पहले रोजगार और नौकरी थी, हम 17 महीने में आए हैं तो नौकरी रोजगार का भरमार कर दिया, ये भी तो बताएंगे ना, कंपेयर करेंगे। रोजगार 17 महीने में, हम बार बार कहते हैं कि 17 महीने में कहीं से कोई रोजगार नहीं बना सकता। रोजगार कहीं भी वैकेंसी होती है, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग हैं। 17 महीने में आप जब वैकेंसी क्रिएट करते हैं उसके बाद आपका रोस्टर क्लियर होता है, रोस्टर क्लियर करने के बाद बीपीएससी या सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में वैकेंसी भेजी जाती है, भेजने के बाद आप एप्लीकेशन मंगाते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन को आप छांटते हैं, उसके बाद आप एडमिट कार्ड इशू करते हैं, उसके बाद आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, रिटर्न लेते हैं, फिर आप इंटरव्यू लेते हैं, तब आप रिजल्ट जारी करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल टू हैपन इन 17 मंथ, बता दीजिए, कोई जस्टिफिकेशन है ये 17 महीने का? ये तो वही बात हुआ कि हम 4 साल भवन निर्माण मंत्री रहे, जो हमने शिलान्यास 3 साल पहले किया, अब आज हम भवन निर्माण मंत्री नहीं है और कोई मंत्री भवन निर्माण होकर उद्घाटन करने जा रहा है, कहा ये पूरा हम ही बनाए। ये तो वही बात हुआ ना कि तो पूरा हम ही बनाए, जिसको कि कोई बेसिक नहीं पता है कि कैसे ये कॉन्सेप्ट बना, कैसे ये सैंक्शन हुआ, किस डिपार्टमेंट ने दिया, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कहे कि ये पूरा हम बनाए। लेकिन बात कर रहे थे, मंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कहाँ चलाएगा पैसा, ये आप लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बजाबता अपने घोषणा पत्र में कहा है, पार्टी के घोषणा पत्र में 10,000 नौकरी और 10,000 रोजगार की घोषणा, घोषणा पत्र पढ़िए, मत पैदा कर नीतीश, 10 लाख, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, ये हमारे घोषणा पर जनता दल यूनाइटेड के घोषणा पत्र का 7 स्टेटमेंट का पार्ट है। एक सर पॉलिटिकल सवाल है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, काफी समस्याएं कही जा रही है कि अंदर में है। अगर आपको प्रदेश चलाना होगा मुख्यमंत्री, तब आपको चिंता करनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री की चिंता का विषय है, इसको आप रहने दीजिए, बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा, मंत्री का प्रोग्रेटिव है, मुख्यमंत्री का चिंता का विषय है। क्या जी को रीब्रांड करने की तैयारी है क्या? नॉट अबाउट रीब्रांडिंग, नीतीश कुमार को रीब्रांड नहीं किया सकता, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जो 10% नीतीश कुमार का पॉलिटिकल लाइफ है वो 90% पे डोमिनेट कर जाता है कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं कि जो 90% नीतीश कुमार एक्चुअल नीतीश कुमार है
जिसने इस प्रदेश के लिए संपूर्ण समर्पण किया है, उस नीतीश कुमार को हमारा यंग जनरेशन जाने। सीट सीट शेयरिंग पे बात बन गई सर। सीट शेयरिंग का सर क्या समीकरण रहा है? सीट शेयरिंग का क्या समीकरण रहा है सर? सामने देख के कुछ चीजों को कुछ लोगों के तो हमारे पार्टी के जो लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो समय आने पर सर जेडीयू कितना सीटों पर लड़ेगी सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस